हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूंगी। एक दो दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक अपने मनी प्लांट के रिलेटेड एक ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें मैं अपने मनी प्लांट को थोड़ा सेट वगैरह कर रही थी। तो डियर, मेरा बाहर का वो एरिया था जहाँ पे मैंने प्लांट्स वगैरह लगाए थे, उसको थोड़ा सा क्लीन अप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने वो काम कर लिया, तो अब मैंने अपने रूम को थोड़ा सा सेट करना है। मेरा काफी सारा यू नो मेकअप का सामान है, इतना बुरी तरह से उलझा हुआ मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। प्लस आप लोग मुझे खुद रिक्वेस्ट करते हो कि दी आप अपना यू नो कुछ दिखाओ हमें, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत लोगों ने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है। मैं इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से उलझा पड़ा है सब कुछ, यू नो पता नहीं, इधर का सामान बहुत बुरा गंद पड़ा हुआ है घर पे, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं दी, अब आप कमेंट्स के जवाब नहीं देते, अब आप हमें भूल गए हो, नाराज हो, इग्नोर कर रहे हो। तो डियर, ना मैं भूली हूँ, ना नाराज हूँ, ना मैं इग्नोर हूँ। तो आप देखो आज के ब्लॉग में कि मैं ये काम भी करती हूँ बिसाइड यूट्यूब। यूट्यूब तो मैं जो कर रही हूँ कर रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक होम मेकर हूँ, तो मुझे वो भी चीज अपना रोल निभाना है, तो मैं वो काम में बिजी होती हूँ। इसलिए कई बार आप लोगों के मैसेजेस मैं दो दो दिन, चार चार दिन नहीं जवाब दे पाती, क्योंकि मुझे अपने घर पे इतना मैस देख के ना मैं भी पागल हो जाती हूँ, घर वाले भी पागल हो जाते हैं। तो एंड या, अगर आप बैकग्राउंड देख रहे हो तो डियर, ये मेरा कोई नया बैकग्राउंड वैकग्राउंड नहीं है, घर की चादर है या बेडशीट है। एक्चुअली 4 दिन से लुधियाना में बारिश हो रही है, तो मैंने आज मशीन लगाई थी, कपड़े धो रही थी, तो बाहर मैंने सारे कपड़े डाले हुए हैं। लाइक आपको पता है आधी जगह पे डाल नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है, तो अंदर अंदर ही डाले हैं, तो इसको डालने की जगह नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने अपने यूट्यूब बनाने वाले जो पीछे स्टैंड नहीं होता जिसके ऊपर कर्टन टांगते हैं वाइट वाला, मैंने उसी के ऊपर टांग दिया। मुझे था भैया सूख तो जाएगी, सूख गई वैसे काफी हद तक ही ना, सूख गई है। तो बस यही है। एंड मैं आपको आज मैंने मनी प्लांट वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने एक अलमीरा भी ली है, या मैं एक बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं सुमित के साथ जाके लेके आई हूँ, ठीक है। तो मैं आज उसी में अपना सामान सेट कर रही हूँ। आज है मंडे और आज आरव का एग्जाम था, कल वैसे ट्यूसडे था, तो कल भी आरव का एग्जाम है, था, अब कैंसिल हो गया। तो कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि लुधियाना में 4 दिन से बारिश हो रही है और थोड़ा पीछे से ऑर्डर वगैरह आ गया कि ना स्कूल वगैरह बंद कर दो, थोड़ा हाई अलर्ट कर दिया है फ्लड वगैरह का चांसेस वगैरह की वजह से। तो कल आरव की छुट्टी होगी फिर, तो मुझे लग रहा है कि अब रात के कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, तो अभी तक तो हम लोगों ने डिनर वगैरह किया नहीं, 9, 9:30, 10 तक करेंगे डिनर। तो बीच में मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है, इस 1.5 घंटे मैंने आरव को पढ़ाना था। अब आरव ने कल स्कूल जाना नहीं है, उसका एग्जाम अब कल होना नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि चलो अब मैं इस टाइम को ना थोड़ा सा, आरव अभी सो के उठा थोड़ी देर पहले ही, वो अपना टीवी वगैरह देखेगा, वो अपना रोटी वगैरह खाएगा, एंड मैं अब अपना अलमीरा का काम खत्म कर दूँ। फिलहाल मैं जहाँ पे बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ अपने यूट्यूब की जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ उस डेस्क के ऊपर बैठी हुई हूँ, एंड दिखाती हूँ मैं आपको कितना मैस है मेरे ऑल अराउंड। तो बाकी डियर, ये तो अभी मैंने मैस क्लीन कर दिया था, ये अभी क्लीन्ड मैस है, यस क्लीन्ड मैस है। थंबनेल में जो आप देखोगे वो अनक्लीन्ड मैस था, वो एक हफ्ते पहले का सीन था जो मेरे घर पे था, जब मैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए अलमारी को लेने के लिए भाग रही थी, जब मैंने बोला था बाप रे इतना गंद हो गया, मैं इसको कैसे संभालू, क्या गंद नहीं बोलूंगी मैं, इतना सामान हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे सेट आउट, इसको कैसे संभालू। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, व्यू बैक करके दिखाऊंगी। एंड यार, जिन लोगों को होता है मैं कहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं दिखा रही, आज की वीडियो इस टॉपिक पे है नहीं, तो इस टॉपिक को इतना ज्यादा नहीं मैं खींचूंगी। आज की वीडियो है अलमारी में कैसे सामान रख रही हूँ मैं उसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोग को अपनी दिखा देते हैं ना कि हमने ये ऐसे सेट कर लिया है, वैसे सेट कर लिया है, तो मेरा वर्जन ये है कि चलो आज साथ में मिलकर सेट करते हैं, समझ आ गई। मतलब मैं पहले की आपको सीन्स दिखा रही हूँ, बाद वाले सीन तो चलो कभी दिखाऊंगी जरूर, फाइनल ऑब्वियस मैं आपको फाइनल लुक तो जरूर दिखाऊंगी। एंड एक और चीज़ है, वो मेरे साथ वाले कमरे में बेडरूम में, मतलब मैंने अपनी अलमीरा रखी है, थोड़े बहुत वहाँ पे भी चेंजेस करने, मैंने काउच लेके आना है, टेबल लेके आना है, पीछे मैंने अपना वो लेके आना है, वॉल स्टिकर्स वगैरह लेके आने, मतलब थोड़ा सा यार घर को थोड़ा सा सुंदर बना रही हूँ, यूट्यूब की वीडियोज में अच्छा दिखना चाहिए। बस जो जो जैसे जैसे खरीदती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन का हिट कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियोस की। एंड अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कोई वैसे वाली वीडियो नहीं है जिसमें आपको नॉलेज मिलेगी, जैसे ऐसी यार फन है, एंटरटेनमेंट है, और तो कुछ नहीं, क्योंकि देखो मैंने तो घर का अपना काम करना ही करना है, तो मुझे था चलो भैया साइड में कैमरा लगा दूंगी, अपने आप शूटिंग चलती रहेगी, बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ
मैं जब साथ वाले कमरे में जाऊंगी मैं वहां पे बोलूंगी नहीं, वॉइस ओवर करूंगी बाद में, इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि उधर बेड पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, आरव बैठा हुआ है, आरव अपना खाना खा रहा है, हस्बैंड अपना फोन पे लगे हुए हैं, तो मैंने बस साइड में कैमरा रखना है एडजस्ट, मैंने अपना शूट अपना काम करना है, कैमरा मेरा चलता रहेगा। फटाफट से दिखा दूँ, ये देख लो जो मैं बोल रही थी, दिख रहा है आपको कर्टन, मतलब यहाँ पे स्टैंड के पीछे मैंने ये लगाया हुआ है, एंड लेट मी शो यू बैक बैक कैमरा करके। ओके प्लीज़ आप लोग मत सोचना कि कितना गंदा डाला है, बट स्टिल ये गंद है। इसके ऊपर अभी कल वीडियो गई है, बायोटिक के ऊपर, इसके ऊपर भी अभी कल वीडियो गई है, सोचो इनको संभालना है। ये मैंने यूज़ किया था अपने डी आई वाइज के लिए, हेयर पैक है कोई एलोवेरा वाला, बहुत सही वाला पैक है, फिलहाल मैंने यूज़ करके उसी के बाद अपने शैम्पू किया हुआ है। बहुत जल्दी आपको मैं दिखा दूँगी वीडियो में, एंड आई गेस आप लोग दिया तो देख लोगे पहले, आई हैव नो आइडिया मैं क्या पहले पोस्ट करूँगी। अब आप ये देख लो इधर कितना सारा मेरा गंद पड़ा, देख रहे हो आप ज़मीन पर रखा हुआ है सामान, ये सारा सामान है इसके अंदर। ये बास्केट्स लेके आई थी मैं, ये है बास्केट बड़े साइज वाली, लोकल स्टोर से लेके आई थी, 120 रुपीस में मुझे मिल गई थी। कितनी है बास्केट्स, लेट मी काउंट, दिस हैं काफ़ी सारी हैं। इसके अंदर मैं अपना सामान रखूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेके आई हूँ मैं बड़ी वाली बास्केट्स, 120 रुपीस की एक मिल गई थी। वो आप देख लो छोटी वाली बास्केट्स हैं, दिख रहे हैं आपको वो छोटी वाली हैं जिसके अंदर प्लम का सामान पड़ा हुआ है, वो मुझे 80 रुपीस में मिल गई थी। वो है मेरे पास ब्रश का स्टैंड है, मेकअप ब्रशेस का लेके आई हूँ नया। लुक एट माई मेकअप ब्रशेस, कितने बुरी हालत में पड़े हैं, उनको सफाई करनी है, इनकी वजह से ही मेरे फेस के ऊपर इतने सारे पिंपल्स हो गए। गंदे गंदे मेकअप ब्रशेस मैं यूज़ कर रही थी, ये आप देख सकते हो, सब इनको क्लीन करना है, सब क्लीन करके रखूँगी एंड दिखा दूँ मैं पहले आपको उससे। ये है मेरे पास, ओ गॉड, बायोटिक का ये सामान पड़ा हुआ है। यस, ये पूरा कार्टून आपको बायोटिक के सामान से भरा हुआ है, सर पूरा कार्टून। यहाँ पे इसमें लोटस हर्बल्स का सामान पड़ा हुआ है, देखो बीच में मेरा मेकअप ब्रश पता नहीं क्या कर रहा है। ओके, लोटस हर्बल्स का सारा सामान, इसके ऊपर मैंने वीडियो अभी तक डाली नहीं, वो आपको दिख रहा है गुड वाइब्स का, चारकोल का ये है, डालूंगी आप लोगों को वीडियो बहुत जल्दी, एंड इसके ऊपर भी डालनी है वीडियो यार। ओके, मेरे पास वो भी है गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल, वो जो है नहीं ऑयल कोने में पड़ा हुआ है, सिल्वर वाला जो ऑयल है, आपको दिखाऊंगी वीडियो में यार, सब कुछ बहुत कुछ है, शेयर करूंगी। लेट मी शो यू समथिंग, ये है मेरा टेबल, ये मैंने यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए लिया था, दिखा दूँ आपको थोड़ा सा, देख लो ठीक है। ये मेरा मिरर है, ये मेरा थोड़ा सा छोटा वाला मिरर है, एंड भैया मैस मैस दिखेगा आपको, आगे दिखेगा, ये तो मैंने वहाँ से लिया था अमृतसर से, यू ऑल नो। इसके अंदर यार मेरी जस्ट लिपस्टिक्स पड़ी हैं पहले वाली, मतलब पहले क्या मतलब जो मैंने खरीदी हुई हैं, एंड ये जस्ट मेरी कॉपी पड़ी है जिसमें मैं कुछ लिखती हूँ, वी ट्रिमर पड़ा है, क्लच पड़ा है। अभी तो मैंने इनको थोड़ा सा सेट कर दिया था, तब आपको थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था। दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ये देखो इसके अंदर भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है यार, सामान पता नहीं हर जगह सामान सामान भरा पड़ा है। लेट मी शो यार, ये देख रहे हो आप कितना सामान पड़ा हुआ, गॉड कैसे दिखाऊं। ये है मेरी अलमीरा, आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे ये सब क्यों दिखा रहे हो डियर, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यही सबको है जो मैंने ढंग से रखना है, तरीके से रखना है। इधर आप देखो मैंने एक चीज़ निकालनी होती है, मुझे 500 चीज़ें निकालनी पड़ती है, समझ ही नहीं आता। ये है मेरा इयररिंग्स का वो, इसको तो चलो मैंने सेट कर लिया था, ये भी बहुत गंदी तरीके से मैंने फेंका हुआ था। बोलोगे तो कभी किसी दिन इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या है, मैंने क्या क्या, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही एक बॉक्स है, शायद एक और होगा, आई एम नॉट, शायद एक और है नेकलेसेस के ऊपर, एक दो ही है उसके अंदर भी। अच्छा एक यहाँ पे भी है सामान, एक्चुअली सामान की जगह इसको उठा के, इसको उठाते हैं ना, लेट मी शो यू, इसको उठाते हैं तो इसके अंदर भी रखा हुआ मैंने काफ़ी सारा सामान, बहुत कुछ है इसके अंदर भी, एंड चलो बाद में दिखाऊंगी कभी किसी दिन। एंड ये देखो सामान पड़ा है इसके अंदर, एलोवेरा जेल पड़ी है, मेरा पानी वो पड़ा हुआ है। ओके, ये है VLCC के सारे प्रोडक्ट्स, इसका मैं फिलहाल, एक और लोशन था ना ये मुझे बहुत पसंद आया, प्लीज़ आप इसको ज़रूर खरीद लो, मुझे बहुत पसंद है। मैं आरफ के फेस के ऊपर भी इसको यूज़ कर रही हूँ एंड बॉडी के ऊपर भी, मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ, आई लव इट, VLCC का। एंड नीचे क्या पड़ा हुआ है, ये मेरे नेल पॉलिशेस का डब्बा,
देखो कैसे फेंकी हुई हैं। चलो ऐसे ही रखते हैं, और मैं कैसे रखती हूँ इनको। नेल पॉलिशेस हैं और तो कुछ नहीं है, बड़ा पड़ा इनका सामान। स्टेक होगी, NYBA एन पता नहीं क्या क्या। यस, एंड यहाँ पे है ये स्टेक होगी की लिपस्टिक्स हैं, ये मेरे लिप क्रेयॉन्स हैं। इसके अंदर शायद लिक्विड लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं। वीडियो डाली थी ना तो एक पैकेट में करके रखा हुआ था, इनको सॉर्ट आउट करना है सारी लिपस्टिक्स हैं। इसके अंदर क्या है, लेट मी शो यू। अभी पीछे भी और आपको कुछ ना कुछ दिखेगा ही। इसके अंदर मेरा सारा मेकअप रेवोल्यूशन एंड वेट एंड वाइल्ड का सामान है। मेकअप रेवोल्यूशन का थोड़ा बहुत ये जो भी है मेरे पास, एंड वेट एंड वाइल्ड है शायद, है ना, वेट एंड वाइल्ड है, ये आप देख सकते हो। इनको मैंने अभी सॉर्ट आउट नहीं करना, लाइक अलग अलग ही रखूंगी, ब्रांड वाइज रखूंगी, क्योंकि कह रही थी कि मैं इनको ब्रांड वाइज रखूंगी। ब्रांड वाइज इसलिए रखूंगी क्योंकि मेकअप रेवोल्यूशन, वेट एंड वर्ल्ड, अभी मैंने इनके ऊपर डालनी है थोड़ी सी और वीडियोस, नो ब्रांड वाइज वीडियोस डालनी है। प्लस अभी मैं इनके प्रोडक्ट्स को भी नया नया यूज करना शुरू किया है, तो मैं कभी कई बार भूल जाती हूँ मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है। ब्रांड वाइज पड़ा होगा तो मुझे पता होगा, पहला ये कारण है। दूसरा एक और कारण है कि मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे मेकअप रेवोल्यूशन के कोई प्रोडक्ट्स नहीं शेयर किए। पिक्स ही नहीं डाली, कलर बार के प्रोडक्ट्स के ऊपर पिक्स नहीं डाली, वेट एंड वाइल्ड के ऊपर पिक्स नहीं डाली, एंड VLCC हो गया। मतलब यार ब्रांड वाइज जो पिक्स डालती है ना इंस्टाग्राम पे, मैंने कुछ नहीं डाली, तो टाइम ही नहीं लगता यार। अब मैं सब कुछ अपडेट करूंगी, एंड लुक एट माई स्किन, क्या कर रही हूँ मैं, इसका ध्यान रख रही हूँ थोड़ा सा। आई नो मुझे आज भी कमेंट्स आएंगे दी आपकी स्किन थोड़ी सी डल हो गई है, स्पॉट्स पड़ गए, बट ये पहले से काफ़ी सही हो गई है, जैसे पहले थी। बहुत जल्दी मैं वैसे कर लूँगी अपनी स्किन। एंड चलो अब मैं दिखा देती हूँ, अंदर और भी एक दो बॉक्सेस हैं यार, पता नहीं क्या दिखती हूँ। लेट मी शो यू, ये देखो अंदर क्या है इसके। ओके, ये है मेरे पास हिमालय का फेस पैक है, हिमालय का नीम पैक है। ये तो मैंने सारा यूज़ कर लिया यार, नीम पैक से याद आया। ओके, लेट मी यूज़ दिस नीम पैक, मुझे बहुत पसंद है। ऑयली स्किन वाले प्लीज़ आप इस पैक को ज़रूर खरीदो और अप्लाई करो। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस, मेरे को आप देख सकते हो पिचक चुका है इसकी हालत, एंड क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। नीम पैक वैसे भी पिंपल्स ख़त्म करता है, एंड ये बाटी का ये भी पैक बहुत अच्छा है, एंटी ब्लेमिश पैक है। कैमरा फोकस कर ले बेटा, कर ही नहीं रहा। यस, अब किया इसने, चलो आउट ऑफ फोकस हो गया फिर से। बस यार यही सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने रखना है। अच्छा एक और है अभी, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं होता। ओके, दिस इज़ माई डिओड्रेंट्स का डब्बा सारा, ठीक है। ये सब कुछ यार फिलहाल आप देख सकते हो मैंने कार्टून में रखा हुआ है, मुझे इनको अच्छी तरह से बास्केट वगैरह में रखना है, अगर और जरूरत पड़ी तो और बास्केट खरीद लूंगी। इधर भी कुछ है, इधर क्या है, इधर यार वैसे रैंडम स्टफ सा है कुछ है भी। इसके अंदर है मेरे DIY का सामान जिनको मैं यूज़ करती हूँ फिर अपना, यू नो, DIYs क्रिएट करने के लिए। लुक एट दैट, आपको मिल जाएगा, आपको आलमंड ऑयल मिल जाएगा, कैस्टर ऑयल हो गया या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, कुछ दिख नहीं रहा, कोकोनट ऑयल हो गया, मुलेठी पाउडर एंड जो भी हो गया, लिकोरिश पाउडर, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ये सारा वो वाला डब्बा है। मेरे एसेंशियल ऑयल्स मिल जाएंगे, इनका भी मैं अलग जगह पे रखूंगी। ओके, दिस इज ऑल द मेस, देख रहे हो आप, अब तो मैंने और ज्यादा मेस क्रिएट कर दिया। चलो अब सबको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, अब मैंने जितना भी मेरा ये सामान था मैंने आपको यू नो ऊपर ऊपर से दिखा दिया थोड़ा सा। अभी तो बहुत कुछ है, अभी शायद उस डब्बे में भी कुछ था, क्या था, न्यू लॉन्चेस थे, दिखाओ, नहीं दिखाती, दिखाती हूँ, वेट। देखो न्यू लॉन्चेस हैं, लिपस्टिक्स हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, ये सारी, एंड ये सब कुछ सामान है, ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली थी आज मैं, बट फिर मैंने बनाई नहीं। स्टेक कोकी का लव यू है वाइट कलर में। ये एक और चीज़ है भाई, ये मेरे वेगा का, आपको पता है इसके ऊपर मैं वीडियो कर चुकी हूँ, आई लव इट। एंड ये देख लो, अब मेरे पैलेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत हैं। एंड नाउ लेट्स क्लीन ऑल द मेस। चलो अब मैं आपको अपनी अलमीरा दिखा देती हूँ जो मैंने ली है। 11,000 की अलमीरा ली थी, आपको देखने में लगेगी वुडन अलमीरा, बट वो वुडन अलमीरा नहीं है, वो है लोहे की अलमारी। लोहे की अलमारी है, थोड़ा सा उसमें मैंने चेंजेस करवा लिए थे, जैसे कपड़े टांगने की जो जगह होती है ना वहाँ पे
रॉड लगाई होती है लंबे लंबे से ना कपड़े आप टांग सको, तो मैंने उसको बोला मुझे भैया कपड़े नहीं टांगने, मुझे अपना स्टफ रखना है अच्छी तरह से प्रॉपर सुंदर तरीके से, तो आप इसको हटा दो एंड मुझे दो शेल्फ इसकी जगह पे डाल दो, थोड़ा स्पेशियस और हो जाएगी, नहीं तो एवं मेरी जगह वेस्ट हो जाएगी। तो जस्ट उन्होंने वो करके दिया मुझे, इसलिए मुझे एक हफ्ता टाइम लगा, मुझे एक और नई मतलब ऑर्डर पे बनवानी पड़ी, कह के अपने अकॉर्डिंग अपने कस्टमाइज करवा ली मैंने। तो बस अब चलते हैं यार, उधर चलते हैं, बहुत बातें होगी। एक और चीज़ है, साथ वाले कमरे में आपको थोड़ा सा लाइटनिंग की प्रॉब्लम लगेगी, द रीज़न इज दैट एक तो मैं रात को शूट कर रही हूँ, अब तो यार पता नहीं 8:45 हो गए या 8:45 9 बज गए, तो प्लस उधर वैसी लाइटनिंग नहीं लगाई हुई जितनी मैं यूट्यूब की वीडियो के लिए अपना यू नो शूट करने के लिए जरूरत पड़ती है, जिस नॉर्मल से जो घर पे लाइटनिंग होती है वैसी है। तो थोड़ा सा आपको अगर अंधेरा लगेगा तो प्लीज बेयर विथ मी, मैं चाहूँ तो सुबह भी शूट कर सकती थी बट सुबह मैंने मशीन लगाई थी, मेरे पास टाइम नहीं था। कल मैंने इसलिए नहीं करना सुबह क्योंकि फिर यार परसों आरव का पेपर है, तो मैं चाहती हूँ आज रात को ही मैं सारा काम वाइंड अप कर दूँ, चाहे मेरे को रात को 12 क्यों ना बच जाए, बट इतना आई एम सेटिस्फाइड हूँ, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि ये जितना आपको मैं अब तो यार दिखा दी, अब क्या बार बार बोलूँ, जितना भी मैंने ये डाला हुआ है सारा सॉर्ट आउट कर दूंगी। लेट्स गो। ओके, लुक एट द मैस, मैं कैसे करूंगी, देख रहे हो आप, ये भगवान खत्म ही नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है। मैंने सब कुछ साथ वाले कमरे में लेके जाना, सबको अरेंज करना है, एंड कैसे करूंगी मैं। ओके, अब ये है मेरी अलमारी जिसमें मैंने अपने प्रोडक्ट्स को रखना है, ये गोदरेज की अलमारी है, मतलब लोहे की अलमारी है एंड वुडन नहीं है, लेकिन आपको लुक इसकी वुडन आएगी, इसी वजह से मैंने इसको खरीदा था, मुझे इसके लुक बहुत अच्छी लगी थी, सिंपल एंड सोबर सी। चलो मैं आपको इसको ये खोल के दिखा देती हूँ अंदर से, एंड ये आप देख रहे हो जो दो तीन एक्स्ट्रा जो शेल्फ इसमें आपको नज़र आ रही, ये नहीं थी, इसको मैंने खुद बनवाया है। ये नीचे वाला भी आप देख सकते हो, मैं वहाँ पे भी स्टोरेज करूँगी। एंड चलो मैं इसको, एक और चीज़ है अलमारी में जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा की रिंग है गोल्डन टेम्पल का, मैं अमृतसर से लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास एक और था इसके जैसा, वो मेरे घर की चाबी में लगा हुआ है, ये मेरा नोना शाह कुटू शाह आरव। आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट की हुई थी क्योंकि इसने बहुत फुल वॉल्यूम में टीवी लगाया हुआ था, सो बहुत कुछ उसमें आ जाता, इसलिए फिर मैंने वो आवाज़ ही म्यूट कर दी। ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, अलमीरा में आगे एक मिरर भी लगा हुआ है जिसको मैं यू नो लॉक लगा हुआ था, उसको खोल के मैं यूज़ कर सकती हूँ अलमीरा। साइड में आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने स्पेस बनाई हुई है अपने रोज़ की जो चीज़ें होती है उसको लगाने के लिए, यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह या कुछ भी ऐसा हैंग करने के लिए, एंड ऊपर भी इन्होंने एक स्पेस बनाई हुई है, छोटा मोटा आप अपना डीओ क्रीम ये वो कुछ भी रख सकते हो। मुझे बहुत पसंद आया इसका ये वाला कॉर्नर, आगे भी आप छोटा छोटा सा सामान जो भी होता है आप अपना रख सकते हो। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी अलमारी रखनी कहाँ पे, मैंने इस जगह पे रखनी जहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, हम ड्रेसिंग टेबल की जगह को चेंज करेंगे, सारा सामान मेरा ड्रेसिंग टेबल का था सारा, उसको मैंने खाली किया है क्लीन किया, यहाँ पे सिर्फ मेरे हस्बैंड का सामान होता है या फिर रैंडम स्टफ सा होता है, बस मैंने उनकी जगह को चेंज करना है, तो वही आप आगे देखोगे वीडियो में, देख लो मैंने सारा कुछ खाली किया हुआ है। एंड साइड में आप जो जगह देख रहे हो बिल्कुल वेस्ट जा रही है, तो हम इस जगह को यूटिलाइज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड।
अब मैंने अपनी सारी अलमारी को सेट कर दिया, तो चलो आ जाओ मैं आपको थोड़ा सा बीच बीच में सब कुछ दिखा दूँ मैंने क्या कैसे रखा है, क्योंकि वीडियो रियली बहुत फास्ट फॉरवर्ड में मैं चला रही थी। ये देखो मैंने सब कुछ आराम से रख दिया, थोड़ा मैंने ब्रांड वाइज रखा है इनको या फिर वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रखा है जिनका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिनकी मैंने अपलोड करनी है, कुछ इस हिसाब से रखा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट बास्केट, उसमें क्या है मुझे खुद, लेट मी सी, यस ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने रिव्यू नहीं किया बहुत टाइम से। एंड मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद के रखे, एक्यू मास्क पड़ा हुआ है, पेट सफा पड़ा हुआ है आप देख सकते हो, हेयर स्पा क्रीम पड़ी हुई, मैंने सबका रिव्यू डालना यार रियली सॉरी। ओके अब ये है मेरे कपड़े थे थोड़े बहुत, एंड ये है हैंकी वगैरह हो गए या फिर टॉवल्स वगैरह हो गए, दो बास्केट मेरे एक्स्ट्रा बच गई, थोड़े बहुत बैग वगैरह रख दिए मैंने अपना हैंड बैग यहाँ पे, एंड थोड़ा ट्रैवल बैग रख दिया, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉली बैग से हैं। ये प्लम गुडनेस के सामान है और प्रोडक्ट्स हैं गुड वाइब्स के हैं, ऑलरेडी मैं इनके ऊपर वीडियो डाल चुकी हूँ गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने किसी की भी फ़ोटोज़ नहीं डाली तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको अलग अलग रखा हुआ है। एंड बस और क्या, इधर स्टे कोकी की लिपस्टिक्स हैं, ये सारा स्टे कोकी का ही डब्बा है, थोड़ा बहुत इसमें क्रेयॉन्स वगैरह हैं, सबके मैंने यार पिक्स डाल दी इसलिए थोड़ा सा इनको डिवाइड करके रखा है। ये मेकअप रेवोल्यूशन है, वेट एंड वाइल्ड है, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। और नीचे ये किट है, ये आप लोगों को शायद पता भी नहीं है कि मैंने ये मंगवा के रखी हुई है, इसके साथ स्ट्रेटनर फ्री मिला था, ये है ड्रेस मेकर, शैम्पू एंड कंडीशनर, एंड थोड़ा बहुत मेरा डव का सामान, डव का सोप था। पीछे वो मेरा है स्टैंड है मेकअप ब्रशेस वाला, मैं नहीं हूँ लेके आई हूँ, दिखाऊंगी आपको कभी खोल के। एंड ये आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा क्लोजअप करके, देखो बिल्कुल ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर लगता है ये वाला स्टैंड। मेकअप ब्रशेस क्लीन करके इसमें रखूंगी। एंड ये ट्रेस्मे के साथ जो स्ट्रेटनर मिला है सच में बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लिटरली आपको हंसी आ जाएगी देख के, बट एनीवेज मैं आपको दिखाऊंगी जरूर बहुत जल्दी। ओके अब ये इधर वाली बास्केट में मैंने रखा हुआ है लोटस हर्बल्स, ये सारे जितना भी सामान है लोटस हर्बल्स नहीं, बहुत कुछ है इसमें जिसका मैंने अभी रिव्यू डालना है, और इनका मैं रिव्यू विद इन कोशिश करूंगी बहुत जल्दी से जल्दी डालने की, ये सारे प्रोडक्ट्स का मैंने रिव्यू बहुत जल्दी डालना है। लोटस हर्बल्स का काजल है, गुड वाइब्स है, एल्प्स गुडनेस है, बहुत कुछ है। एंड ये जो कॉर्नर है ये मेरे आरव का कॉर्नर है, इसने अपनी जगह बना ली है, ये मेरे आरव को सेकंड प्राइज मिला था जब वो प्ले स्कूल में था। ये थोड़ा सा वैसे ही प्लास्टिक सा है सेल्फ के ऊपर बिछाने वाला, ये पूरी बास्केट बायोटिक के प्रोडक्ट्स के ऊपर है, ये वो बास्केट है जिसमें मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, बस इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं शेयर किया। एंड ये मेरे थोड़े से फेस वॉशेस एंड बहुत सारे जितने भी सामान था वो सब था, फेस पैक्स वगैरह। नीचे मेरे जितना भी डी आई वाई का सामान है जो मैं प्लेट्स यूज करती हूँ या फिर जो भी मैं जिसमें मैं बनाती हूँ डी आई वाई, यानी यहाँ पे जितना इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ, वो मेरा सारा कुछ मैंने इस जगह पे मैंने रख दिया है साइड में। एंड यहाँ पे आप सब देख सकते हो मैंने अपने बैग को टांग दिया, बस मुझे बहुत अच्छा लगा अलमीरा का, मैंने इधर शीशे वगैरह वाली जगह में मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, तो चलो अब इसको बंद करते हैं। एंड मैं आपको साथ वाले कमरे में जाके दिखाती हूँ, ये देखो काफ़ी टेबल के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा क्लीन अप करूँगी, मेकअप ब्रशेस वगैरह क्लीन करने हैं, मेरिट वीसी यार थोड़ा सा तेल रह गया, लव ऑयल पुलिंग जो बहुत पसंद है। एंड कार्ड ये देख लो आप, कार्टन जो भी थे जिनको मैं कल सुबह बस फेंक दूंगी। इसमें एक वॉच पड़ी है मेरी, पहले मैं इसको, वॉल क्लॉक है, इसको निकाल दूं, ये मुझे रूप मंत्रा की तरफ से आई थी। एंड बस अब ये सारे जज चले जाएंगे सुबह तो जगह मेरी खाली हो जाएगी। आई एम सो टायर्ड, वैसे मेरे आधे से ज़्यादा काम आरव ने भी करवाया, काफ़ी हद करवाई उसने, बट मुझे एक घंटा लग गया, एक सवा घंटा लग गया, 10:15 हो रहे हैं इस समय। एंड अभी मैंने ना डिनर किया ना मैंने रोटी बनाई, अब बनाने जा रही हूँ रोटी।
एंड आपने मैस देख ले सब तरफ। मैस के अलमारी में काफ़ी हद तक मैंने सामान थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके रख लिया, बाकी धीरे धीरे यार होता रहेगा। एटलीस्ट मेरी ये जगह क्लीन होगी। यहाँ पे भी ये नहीं कि मैंने बिल्कुल इस टेबल को खाली कर दिया, मैंने जो जनरल रोज़ के मेकअप के सामान होते हैं लाइक जो मैंने अलग अलग डब्बे करके रखे हैं, ज्वेलरी का एक डब्बा हो गया, नेल पॉलिशेस हो गए, ये जो रोज़ 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 जो जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, मैंने इनको तो यहीं पे रखा हुआ है अपने, यही जहाँ पे मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ उसी टेबल पे रखा हुआ है। बाकी अलमीरा में मैंने वो सामान जाके रख दिए जिनको मैं अब रोज़, तो मुझे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना नहीं होता या रोज़ किसी ब्रांड वाइज मैं प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करती, तो जो जैसे जिस हिसाब से मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उठा के इधर से ले आऊँगी। एंड बाय द वे इतनी जगह मेरी खाली होगी, कार्टन्स वगैरह आप देख रहे हो, लुक एट देम। सो मैं सब दे दूंगी भैया को, भैया ले जाएगा, जगह खाली हो जाएगी एंड थोड़ा सा क्लीन कर सकूंगी। यस नाउ आई एम सॉर्टेड एंड चलो बाकी घर का दूसरा काम कर। दिस वॉज द वीडियो, अपनी तरफ से मैंने आपको सब कुछ दिखाने की भी कोशिश की। सो होप आप लोगों को मज़ा आया होगा या वैसे देख लिया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना। सो चिल देन, बाय।